पॉल्यूशन का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है थर्ड वेव के आने के लिए, उसकी इंटेंसिटी के लिए और नंबर ऑफ डेथ्स को भी बढ़ाने के लिए। तो ये अचानक दिल्ली का तो पॉल्यूशन नहीं था। पिछले 10 अक्टूबर के आसपास से दिल्ली के अंदर इतना पॉल्यूशन हो जाता है हर साल, जो कि हम जानते हैं कि आसपास के राज्यों में जो किसानों को अपनी स्टबल बर्निंग करनी पड़ती है उसकी वजह से जो धुआं उठ के पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल जाता है, केवल दिल्ली दिल्ली में नहीं तो दिल्ली में आता है, वो एक ऐसा फैक्टर है जिसपे हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है। दिल्ली ने अपने लेवल पे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, उसकी चर्चा अगर बाद में होगी तो उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं तो दिल्ली ने अपना पोल्यूशन काफी कम कर लिया है, लेकिन ये जो बाहर से पोल्यूशन आता है, इस पोल्यूशन के बारे में इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो सभी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो थर्ड वेव अभी आई है दिल्ली के अंदर, इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं बाकी फैक्टर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, लेकिन पॉल्यूशन का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है थर्ड वेव के आने के लिए, उसकी इंटेंसिटी के लिए और नंबर ऑफ डेथ्स को भी बढ़ाने के लिए। बिकॉज अगर कोई कोरोना पेशेंट है तो पॉल्यूशन उसकी सिचुएशन को एग्रेवेट कर देता है, कोरोना को बढ़ाने में भी ये मदद करता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। देखिए, ऐसा क्यों लगता है हम लोग को जो दिल्ली में रहते हैं, एंड वी हैव टू ऑल गो थ्रू इट, आपको हमको, कि हर साल हम सेम पॉल्यूशन साइकिल से गुजर रहे हैं। कॉन्फ्रंटेशन होती है, आप कहते हैं पराली से धुआं आ रहा है, वो कहते हैं कि पराली का धुआं आ रहा है, वो कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं आ रहा है, आप अपने लोकल सोर्सेस चेक कीजिए। इट्स अ एनुअल साइकिल ऑफ बेसिकली प्योर फाइटिंग पॉलिटिक्स, बट वी आर नॉट रियली गेटिंग एनी वेरी क्लियर सोल्यूशंस। Why do you think this is happening and how do we resolve this? What is the way to solve this problem? आपकी investigation क्या कहती है? ये जो हर साल एक महीना pollution होता है, ये किस वजह से होता है? देखिए, November में तो clearly farm fires play a huge role in pollution. है ना? जैसे ये 10 अक्टूबर से शुरू हुआ और ये कल परसों तक खत्म हो गया, अब तो ठीक ठाक है, sky ठीक ठाक ही दिख रहा है, पिछले दो दिन से तो सब ठीक ठाक। तो ये अचानक दिल्ली का तो pollution नहीं था। वो कहते हैं कि वेहिकुलर पोल्यूशन है, तो दिल्ली में पिछले 48 घंटे में व्हीकल्स आधे थोड़ी हो गए, या 10 अक्टूबर को अचानक व्हीकल बढ़ थोड़ी गए। तो ऑब्वियसली ये पराली का पोल्यूशन है, पराली के पोल्यूशन को टैकल करना पड़ेगा। इसके ऊपर बयानबाजी करने से, राजनीति करने से तो समाधान नहीं निकलेगा। फॉर्चुनेटली इसका भी दिल्ली सरकार ने सोल्यूशन इस बार निकाल के दिया है। अभी तक वो कहते थे सोल्यूशन नहीं है, बड़ी मुश्किल सोल्यूशन है, बड़ी बड़ी मशीनों की बात करते थे, ये मशीनें खरीदनी पड़ेगी, इस मशीन से बड़ी महंगी है। अब पूसा एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट ने एक बायोकेमिकल निकाला है, उस बायोकेमिकल को बहुत सस्ता है बायोकेमिकल, उस बायोकेमिकल को अगर आप पूरे खेत में छिड़क दें तो वो स्टबल को मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है। इट्स अ डबल एडवांटेज, एक तो आपको जलाना नहीं पड़ता और एक वो उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है। दिल्ली सरकार ने इस बार दिल्ली के सारे खेतों में उसका छिड़काव कर दिया, तो दिल्ली के किसान बड़े खुश हैं। तो अगर दिल्ली की सरकार कर सकती है तो पंजाब भी कर सकते हैं, हरियाणा भी कर सकते हैं। तो मेरा सभी सरकारों से निवेदन है कि ये वाला साल पॉल्यूशन का आखिरी साल होना चाहिए। अगले साल किसी के पास एक्सक्यूज नहीं है कि हम इसको हैंडल नहीं कर सकते। और अब हमने एक फॉर्मल पिटीशन बनाई है, एयर क्वालिटी कमीशन जो बना है उसमें हमने पिटीशन डाली है कि आपको अब पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट को ऑर्डर करना पड़ेगा कि अगले साल वो पहले से एडवांस से तैयारी करके रखें और अपने सारे पूरे पंजाब के खेतों में और पूरे हरियाणा के खेतों में और उत्तर प्रदेश के खेतों में ये बायोडिकम्पोजर छिड़काव किया जाए, ताकि उनको पराली को जलने की नौबत ना आए। अरविंद जी, देखिए, लेकिन पॉल्यूशन तो एक राउंड आता है, हम लोग देखते हैं late December, January, February में आता है, which is largely to do with local sources. Are you confident now that we have done a lot of work on that front? हमने, मैं ये नहीं कह रहा, obviously local sources हैं, it's a work in progress. हमने बहुत सारे steps लिए हैं pollution को कम करने के लिए। दिल्ली में जितने industrial areas थे, जितनी industries थी, वो polluting fuel use करती थी, हमने सारा change कर दिया, सारा shift कर दिया, PNG में convert कर दिया। दिल्ली के अंदर अब 24 घंटे बिजली आती है,
सो सारे जनरेटर दिल्ली के अंदर बंद हो गए, अब दिल्ली में जनरेटर नहीं होते।